तो फिर रोहतांग पास से हम लोग कुछ घंटों बाद एक ऐसे जगह पहुंचे जहाँ पे, यार जगह का मुझे नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे खाने वाने के लिए बस वाले ने रोका हमने, वहाँ पे दाल और भात ही, चावल और दाल ही मिलता है बेसिकली वहाँ पे, चावल और दाल वगैरह खाया, और उसके थोड़ी देर बाद चाय वाय पी और फिर आगे बढ़ गए। वहाँ पे रोडे थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, यू नो ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बसेस को निकलने में, कभी कोई बड़ी गाड़ी आगे से आ गई तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो फिर हम कैसे भी करते 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 खींच खाच के बस को उसने 3:30 बजे करीब हमें बाटल पहुँचा दिया चाचा चाची के ढाबे के वहाँ पे। बस उन्होंने वहाँ पे बस रुकी चाय पानी के लिए, हम लोग उतर गए। बस फिर चाचा चाची से बातचीत हुई कि हम लोग तो ऐसे आए हैं, वो बोले यार ये अभी तो कोई ऐसा कोई आया ही नहीं टूरिस्ट की ट्रैक कर रहा है जो यहाँ से चंद्रताल के लिए। तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे एक लगा कि यार हो क्या रहा है, बट फिर भी मनोज भाई अपना पॉजिटिव एकदम फुल माहौल में है कि नहीं ये कोई नहीं, हो जाएगा। मैंने सोचा यार वो एक्सपीरियंस बंदा है तो ठीक है चलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो ये कार्ड ले जाओ, उन्होंने कार्ड दिया वहाँ पे वेंडर का कार्ड दिया, तो उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी सारे वेंडर वहाँ पे गए नहीं है बिकॉज़ अभी सीज़न एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये बंदा आप ले जाओ ये कार्ड दिखा देना बताना हमने दिया है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा वहाँ पे जितनी हो सकती है। तो हमें एक अच्छा लगा, काफ़ी हेल्पफुल हैं चाचा चाची, मतलब मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा उन्होंने जो हमारी हेल्प करी, और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। उन्होंने चाय वाय पिलाई उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, उतने में हमको बस ने भी थोड़ी सी आगे तक लिफ्ट दे दी थी बिकॉज वो जो ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से थोड़ा सा जो चाचा चाची का ढाबा है वहाँ से थोड़ा सा एक दो मोड़ आगे जाके रोड कटती है चंद्रताल के लिए, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ तक हमें उसने छोड़ दिया। बस फिर भाई जैसे ही हम उतरे हैं हमने अपना, ठंडी काफ़ी हो रही थी तो अपना हुडी वुडी डाला एकदम फुल माहौल में, कैमरा वैमरा निकाला, व्लॉगिंग स्टार्ट करी फुल जोश के साथ एकदम, समझ रहे ना मतलब भाई, मतलब आज रॉकस्टार है ऐसा लग रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने बाटल से चाचा चाची के ढाबे से थोड़ा सा आगे बस लेके वहाँ पर आ गए हैं। पूरी वैली खाली है, जीव जंतु आदमी किसी का नाम निशान नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त मनोज यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि हम लोग कितनी देर में ट्रैक कर पाते हैं बिकॉज अभी ऑलमोस्ट दिन के 3:30 के आसपास बज चुके हैं और 3-4 घंटे का ट्रैक है और शायद स्नोफॉल भी रास्ते में पड़ रही है, तो गाइस ट्रैक बहुत मुश्किल होने वाला है, बट हम लोग हार नहीं मानेंगे, चलते रहेंगे और मैं हम लोगों को अपडेट देते रहूँगा। तो बस फिर निकल गए वहाँ से दोनों भाई और फुल जोश के साथ व्लॉगिंग करते हुए, कुछ 1 किलोमीटर बाद, एक भी नहीं 1 या 1.5 किलोमीटर बाद थोड़ा कुछ हल्का फुल्का अंदर होने लगा, कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ठंड बहुत कीड़ी पड़ रही थी, मतलब ठंडी हवाएं जो शीतलहर बोलते हैं ना कड़ाके वाली वो चल रही थी। 2 किलोमीटर तकरीबन हुआ होगा और मेरी जीभ ना यहाँ से लटक के पूरी ज़मीन तक, मतलब मैं चित्त हो गया था, मैं बैठ गया कोने में। फ्यू मोर किलोमीटर्स एंड माय हार्ट इज बीटिंग लाइक टिक 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 टिक, वी आर टेकिंग अ हॉल्ट। मैंने बोला यार साला हो क्या रहा है, और फिर उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि यार फिटनेस तो बहुत गंदे लेवल पे चल रही है और अभी चलना है भाई साहब कितना 12-14 किलोमीटर। तो बस फिर मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बस फिर धीरे धीरे वो 1-2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था उसमें मैं लगातार चला, उसके बाद जो हालत ऐसी ख़राब हुई थी कि हर पाँच मिनट में रुक रहा हूँ। तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं एक जगह पर लेट गया, तो मनोज पीछे से देखा और एकदम से चिल्लाया कि भाई क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा आगे चल रहा था, मैं थोड़ा सा पीछे आराम आराम से रुक रुक के चल रहा था, तो वो दौड़ते हुए आया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो वो थोड़ा उसने पानी वानी निकाला, ग्लूकोज बिस्किट वगैरह निकाले और वो दिए, तो मैंने खाया, तो उसके बाद थोड़ी जान में जान आई और मैं बैठा। मैंने बोला भाई नहीं हो पा रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैंने लिटरली ऐसा बोला था कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो उसने बोला यार थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही चल ले, हो जाएगा। उसे भी क्या पता था कि यार मेरी क्या हालत है, बिकॉज काफ़ी लंबे समय में से मैं गुड़गांव में रह रहा था और हालांकि जिमिंग वगैरह सब कर रहा था, फिर भी मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी फिटनेस किस लेवल पे पहुंच चुकी है। आप लोगों को पता ही है इतना लंबा सफ़र करके डायरेक्ट बस से बैक टू बैक बस पकड़ के हम पहुंचे, उसके बाद सीधे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, सांस फूल रही है लगातार, पानी भी ज़्यादा नहीं पीना है, आई थिंक टेम्परेचर सीम्स लाइक -6 और -5 और मे बी -8। जैसे हमने अभी देखा है सामने से एक या तो बारिश होने वाली है या स्नोफॉल होने वाला है, जस्ट ट्रैक के बीच में बहुत बड़ा हॉल्ट देखने को मिल रहा है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो कैसे आई होप कि कुछ ना हो ऐसा ताकि हमारा ट्रैक ईजिली कम्प्लीट हो जाए, और एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे सनसेट भी देखने को मिल रहा है, बट आई गेस आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे बिकॉज लाइट नहीं होती प्रॉपर नहीं है, और ये भाई हमारे फोटोग्राफी करते हुए। सो गाइस बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गया है और जैसा कि हमें अंदेशा था, लग रहा था कि कुछ ना कुछ बारिश है बर्फ़ होने वाली है, और बर्फ़ पड़ने लगी है, अब हम लोग क्या करेंगे, विंडचीटर डाल लेंगे।
बस फिर यार ऐसे ही रुकते रुकाते हम लोग जा रहे थे, तो किस्मत लग बाई चांस एक वहाँ पे पिकअप मिल गई भाई साहब। वो पिकअप वाले ने रुका है, उसके बाद हम जो उसमें बैठे हैं तकरीबन उसने 2-3, 2.5 किलोमीटर हमारे करवाए होंगे। तो जैसे ही हमने वहाँ देखा कि भाई कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं और कुछ लोग देखे, तो एक जान में जान आई कि हमने कहा यार भाई ठीक है पहुँच गए और अब करना है। फिर से वो मोटिवेशन हमारे अंदर घुस गया कि अब करना है। तो जगह पे पहुँच गए हैं और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत लंबा ट्रैक था, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था समझ लो। मैं बीच में उससे ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, और प्लस हमें ये भी था कि हमें फटाफट चलना है और अंधेरा होने से पहले यहाँ पहुँचना है। और मेरा फ्रेंड माइक हमारी टेंट के लिए एक जगह फाइंड कर रहा है कहाँ पर हम लोग अपना टेंट पिच कर सकते हैं, तो वो जगह देख रहा है, एक बार वो जगह देख लेगा तो वहाँ पर हम लोग अपना टेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से चंद्रशिला लेक चले जाएँ ताकि नाइट व्यू हमें दिखे, बट उससे पहले हम टेंट लगा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए यार, बहुत ज़्यादा समझ लो मतलब अब मैं क्या बोलूँ। और फिर से वो मोटिवेशन एकदम आ गया कि भाई अब तो चिंताल देखने जाना, रात को जाएंगे वो मिल्की वे देखेंगे वहाँ से। क्या देखेंगे? मिल्की वे। बस फिर वो सारी थकान साइड, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि हम इतना किलोमीटर, मतलब मैं पर्सनली कितना किलोमीटर चल के आया हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया और उस टाइम के लिए। और फिर मनोज अपना चले गया टेंट पिच करने के लिए, जगह वगैरह देखने के लिए, तो वो टेंट वेंट पिच विच करा उसने अपना। तो हमने सोचा थोड़ा खा पी लेते हैं, भूख लगी थी बहुत तेज की, तो हमने अपना सेटअप स्टार्ट किया, तो किचन विचन का निकाला। उतने में वहाँ से वेंडर आ गया एक, जो वहाँ पे जिन्होंने कैंप ऑलरेडी लगाया था, तो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे ना एक्चुअली आग वगैरह, आग लगाना अलाउड नहीं है। तो हमें यार ये क्या सीन हो गया, तो उल्टा सीन हो गया भाई, खाना वाना कैसे खाएंगे अब, तो ये आग लगाना तो अलाउड ही नहीं है। तो हमने उसको बोला यार क्या होगा, फिर उसने बोला नहीं भैया यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन पहले तो मिलती नहीं है और आप लगा ही नहीं सकते हो ऐसे, तो हम अलाउ नहीं करेंगे, उसने बोल दिया। तो फिर याद आया कि यार चाचा चाची ने कुछ एक कार्ड दिया था, तो फिर मैंने वो कार्ड उस वेंडर को दिखाया कि यार ये चाचा चाची ने दिया हुआ है और हम उनके नोन हैं, ऐसे करके हमने जुगाड़ लगाया। तो समाओ शायद उनके वो नोन थे या फिर उनका उनका ही बेटा था, पता नहीं जो भी था, मतलब वो कार्ड देख के समझ गए और उन्हें हमारी हेल्प करी। उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, हमारा किचन यूज़ कर लो जो भी आपको बनाना है। बट फिर हमने थोड़ी सी और हेल्प ले ली, एक्चुअली हमने एक वो मैट ले लिया ज़्यादा मोटा बिकॉज रात को ज़्यादा ठंड लगेगी, हमारे पास पतला वाला मैट था, और कुछ स्लीपिंग बैग एक्स्ट्रा ले लिया। तो हमने उसे रेंट पे ले लिया, हमने बोला आप हमें रेंट पे दे दो, हम जो भी आप खाना आप बना दो, जो भी खा रहे हो वो भी हम खा लेंगे, हम उसका पैसा पे कर देंगे जो भी होगा। तो उसने बोला ठीक है, तो हमने बोला ठीक है। तो हमने उसने उस टाइम पे कुछ बनाया था स्नैक्स वगैरह, हम मैगी वगैरह, तो हमने मैगी वैगी खा ली। बट प्लान तो था हमारा चंदाल लेक जाने का उसी टाइम बिकॉज हमें मिल्की वे देखना था। बट जैसे ही भाई साहब कुछ खाया है ना और उसके बाद जब सोए हैं, मतलब पता ही नहीं चला, इतनी तगड़ी थकान लगी हुई थी कि कब सोया मैं मुझे पता नहीं था, बट मुझे अभी तक उस बात का एहसास नहीं था जो मेरे साथ होने वाली थी।